अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान खान है और जैसा कि आपको पता है कि एक एनिमेशन प्रिंसिपल्स की एक सीरीज़ चल रही है और उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं, वैसे तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं उनको इस चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। तो अब हम आते हैं इस वीडियो में एक नए प्रिंसिपल की तरफ जिसका नाम है सॉलिड पोज या सॉलिड ड्राइंग, दोनों नाम है, एक ही प्रिंसिपल है ये। तो इसको समझने के लिए पहले तो हम ये समझेंगे कि पोज की एनिमेशन में क्या इंपॉर्टेंस है और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सॉलिड पोज और सॉलिड ड्राइंग में क्या फ़र्क है। तो फिर हम उसके बाद आगे कुछ देखते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आसान सी, देखें समझते हैं इसको। देखिए जी, पोज क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एनिमेशन में, इसके लिए हम पहले समझेंगे कि एनिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत सारी डेफिनेशन है एनिमेशन की, तो उनमें से एक डेफिनेशन ये भी है कि एक पोज से दूसरे पोज के दरमियान जो ट्रांजिशन लगती है उसको हम कहते हैं एनिमेशन। तो जैसे कि अगर मैंने कि ये पोज बनाया है, एक पंच मारना है मुझे, तो मैंने ये एक पोज बनाया, तो एक पोज बना दिया और दूसरा पोज मैंने ये बना लिया जहाँ पंच आ गए, तो ये बीच में जो ट्रांजिशन है ये कंप्यूटर ने लगाई है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर ने लगाई है, तो ये ट्रांजिशन को हम कह रहे होते हैं कि जी ये जो है ये आपका एनिमेशन है। तो ये तो चीज़ हो गई। जैसे कि आपको यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं फ़िलहाल इसको स्टेप मोड में करता हूँ तो आपको नज़र आएगी ये वॉक साइकिल हमने अपनी पिछली मैंने इसमें बनाई थी आर्क्स के जब मैं बात कर रहा था, तो इसी को मैं देखता हूँ। तो अभी आप देखें मैंने तमाम कंट्रोलर्स सेलेक्ट किए हैं, तो आप देखें ये 0 पर एक पोज बना हुआ है, 6 पे एक पोज बना हुआ है, 12 पे एक पोज बना हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग पोजेस बने हुए हैं, बीच में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। 1 से ले मैंने 0 पे बनाया, 6 पे बनाया, तो 1 से 5 तक कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। उसी तरह 6-7 से 11 तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आके पोज चेंज होता है जहाँ पर मैंने पोज बनाया है। तो ये मेरे पास सिर्फ पोजेस बने हुए हैं, बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। अब जब मैं इसको फ्लैट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आर्क्स बन गए। तो अब अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमने सिर्फ 0 पे पोज बनाया था, 6 पे पोज बनाया था, लेकिन अब उसके बीच में ट्रांजिशन हो रही है और इस ट्रांजिशन को हम कह रहे हैं कि ये एनिमेशन है। ओके, तो मेरे ख्याल में ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि अब आपको एक एनिमेशन, सिर्फ हमने ये पोजेस बनाए, ये 1, 2, 3, 4, 5 पोजेस हैं और इसके बाद हमें इसमें जो ट्रांजिशन लग रही है बीच में उसको हम एनिमेशन कह रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी पोजेस के हवाले से बात। अब जो मैंने दूसरी बात की कि सॉलिड पोज और सॉलिड ड्राइंग में क्या फ़र्क है, तो देखिए ये जो प्रिंसिपल है ना, वैसे अगर मैं हकीकतन कहूँ तो ये असल में जो सही तरह इम्प्लीमेंट होता है ना वो होता ही सॉलिड ड्राइंग में है, सॉलिड पोज में इतना नहीं होता। तो फ़र्क क्या है इसमें, जब ये कंप्यूटर एनिमेशन नहीं होती थी, जब हम सॉफ्टवेयर में इस तरह से एनिमेशन नहीं करते थे माया 3D में, उस ज़माने में जब हैंड ड्रॉन एनिमेशन हुआ करती थी, आर्टिस्ट हर चीज़ खुद ड्रॉ करता था, तो उस वक्त सॉलिड ड्राइंग होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसको हर चीज़ का पता, जो आर्टिस्ट जो एनिमेटर है ना उसको एनाटॉमी का भी पता होना चाहिए, उसको शेडोज़ का पता होना चाहिए, उसको लाइटिंग का पता होना चाहिए, उसको स्टेजिंग का पता होना चाहिए, हर चीज़ उसको पता होगी, वो हर चीज़ जब अपने ड्राइंग में डालेगा उसका कलर सेंस अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें, तब वो जाकर एक कम्प्लीट चीज़ बनाते हैं। तो आप सोचें कि उसको कितने सारे काम करने पड़ते थे और तब जाकर एक पोज बनता था, वो हर चीज़ खुद कर रहा होता था। तो इसलिए हम कहते थे यार ये सॉलिड ड्राइंग, उसकी ड्राइंग जो है सॉलिड होनी चाहिए हर लिहाज से, एनाटॉमी के लिहाज से भी, पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी, और लाइटिंग के लिहाज से भी, कलर्स के लिहाज से भी, शेडोज के लिहाज से भी, हर तरह से वो परफेक्ट होनी चाहिए। जब 3D सॉफ्टवेयर्स आए, जब हमारे पास हम 3D पर एनिमेशन करने लगे जो कि आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कट डाउन हो गई जो कि एक एनिमेटर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। जैसे कि एनाटॉमी की बात करूं तो आपको कैरेक्टर जो है वो मॉडलर बना के दे देता है, उसके बाद रिगर ने उसको रिग करके आपको दे दिया, और फिर जब आप एनिमेट करेंगे तो उसके बाद लाइटिंग आर्टिस्ट जो है वो लाइटिंग का ख्याल रखेगा, शेडोज़ का ख्याल रखेगा, ये सारे काम करेगा। तो इन सब में नहीं पड़ना, एक एनिमेटर को सिर्फ पोजेस बनाने हैं और टाइमिंग अपने प्रिंसिपल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है और आपकी एनिमेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कट डाउन हो जाती हैं, तो इसलिए जब हम 3D में एनिमेशन करते हैं तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये बहुत छोटा सा रह जाता है। तो बहरहाल जितना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको कहा कि डेफिनेशन में ही आ जाता है कि एक पोज से दूसरे पोज के बीच में जो ट्रांजिशन लगती है, तो इसका मतलब है कि पोज होगा तो ट्रांजिशन लगेगी ना, तो वो पोज आपका
अच्छा होना चाहिए। आप जितना अच्छा पोज बना सकते हैं, आपको जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी जब मैं आर्क्स के बारे में बात कर रहा था और जब मैंने आपसे कहा कि फिंगर्स को रिलैक्स करें, जब मैंने ये रिलैक्स की थी तो बेसिकली ये एक तो आर्क तो मैं अप्लाई कर ही रहा था, लेकिन यही चीज़ सॉलिड पोज में भी आएगी। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि प्रिंसिपल्स आप अकेले कुछ नहीं होते, ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जब मैंने स्क्वाश एंड स्ट्रेच बताया तो बेसिकली स्क्वाश होना है या स्ट्रेच होना है, सिर्फ स्क्वाश स्ट्रेच नहीं हो रहा होगा, उसमें टाइमिंग भी आ रही होगी, स्पेसिंग भी आ रही होगी, उसी तरह बाकी भी जितने प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही चल रहे होते हैं। जब ईज इन ईज आउट मैंने समझाया तो वो भी एक टाइमिंग और स्पेसिंग भी है उसमें, उसमें आर्क्स भी आ सकते हैं, उसमें सब चीज़ें आ सकती हैं। तो उसी तरह सॉलिड पोज में भी तमाम प्रिंसिपल्स आ रहे होंगे, और भी प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं। तो ये जो अब आर्क बनाए तो बेसिकली ये एक सॉलिड पोज भी मैं बना रहा हूँ। तभी अगर मैं इसको फिंगर्स को सीधा कर देता, अगर मैं इसको आर्क में नहीं रखता, यूँ रखूँ सीधा छोड़ दूँ इसको, डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन थी लाइक इस तरह से, तो ये आर्क्स भी नहीं बने, साथ साथ फिर हम कहेंगे यार ये पोज भी सॉलिड नहीं है। सॉलिड पोज उस वक्त होता है जिसमें आर्क आ जाता प्रॉपर। ये चीज़ ज़रूरी है कि जब आप कोई पोज बना रहे हैं तो आपको फ्रॉम हेड टू टो हर चीज़ पे बहुत उसको एक परफेक्टली हर जगह पे उसको प्लेस करना है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर उसी पोज में होनी चाहिए, उसी पोजीशन पे होनी चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ यार ये एक सॉलिड पोज है। ना सिर्फ पोजीशन के लिहाज से बल्कि अगर आपके इमोशंस जो है उसकी भी मैं बात करूँ कि अगर एक कैरेक्टर है वो गुस्से में चल रहा है तो वो गुस्सा उसके उस पोज में नज़र आना चाहिए, अगर वो सैड है अफसरदा है तो वो अफसरदगी उसके पोज में नज़र आनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है जिसको हम कहते हैं, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे यार ये एक सॉलिड पोज बना हुआ है। कुछ पोजेस होते हैं जो हमारे मेन पोजेस होते हैं उसको तो हर हाल में आपको सॉलिड पोज बेहतरीन बना रहे हैं क्योंकि वो रजिस्टर होते हैं, और कुछ होते हैं जो हम इन बिटवीन्स बनाते हैं जो कि मोशन के दौरान बनाने पड़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना कि पंच अगर मैंने पहला पोज बनाया, ये दूसरा पोज बनाया, तो ये दो पोजेज हैं जो रजिस्टर होंगे। एक तो कैरेक्टर जब ये करेगा और जब ये करेगा, ये रजिस्टर होने वाले पोज हैं। बीच में हो सकता है मुझे पोज के लिए इन बिटवीन पोज बनाना पड़े, लाइक मैंने जब ये सिर्फ दो पोजेज बनाए थे तो हो सकता है कैरेक्टर यूं करके आगे आ रहा हो, ठीक है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नहीं यार हाथ को यहाँ से आना चाहिए, तो मैंने यहाँ एक पोज और बना दिया जो कि मोशन में आएगा और उसको हम इन बिटवीन कहेंगे। तो इस इन बिटवीन को मे बी अगर वो टाइमिंग बहुत तेज़ है चीज़ें हैं तो थोड़ी सी अगर ऊंच नीच हो जाए तो चल जाता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके मेन पोजेज हैं जो कि रजिस्टर होने हैं वो सॉलिड होने बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे पोजेज बनने चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ थी कि सॉलिड पोज और सॉलिड ड्राइंग क्या होते हैं, उसको आप समझें। ये बहरहाल ये वॉक साइकिल मेरी एक बहुत सिंपल सी वॉक साइकिल है और अच्छी हो सकती है, वो इंशाल्लाह मैं आगे करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी सॉलिड पोज हम किसको कह रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, उसको आप देखें ज़रा कि क्या चीज़ हो सकती है सॉलिड पोज, लेकिन मैं इस फिलहाल 2D में करता हूँ आपके सामने। जैसे कि आप ये देखें, ये एक आपको नज़र आ रहा है कि एक करेक्टर को जब हमने बिठाया है तो इसका हाथ, इसकी फिंगर्स, इसकी इसके एक्सप्रेशंस, हर चीज़ जो है ये आर्टिस्ट ने ड्रॉ करके दिए, तो ये बड़े एक सॉलिड पोज बना हुआ है, ठीक है। जब मैं पोजेस बनाऊंगा, आपको पोजेस बनाने सिखाऊंगा, तो फिर उस वक्त आपको ये चीज़ें इसी को देखते हुए कोई ना कोई मेरे पास एक इमेज होगी जिसको देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँगा कि भाई ये चीज़ जो है इस तरह से बनती है। और उसी तरह वीडियो आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक 2D एनिमेशन की, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा कि सॉलिड पोज सॉलिड ड्राइंग अगर आप समझेंगे तो सॉलिड पोज आपको समझ में आ ही जाएगा। तो एक 2D एनिमेशन जो हमारी बनी थी, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जिसके जो पोजेज हैं, जैसे तो ये पोज अगर ड्रॉ किया हुआ तो एक आर्टिस्ट को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसने पोजेज जो हैं जिस वक्त हाथ पीछे गया था उस वक्त ये इसके पर्सपेक्टिव क्या होगा और जब हाथ आगे आएगा क्या होगा। तो ये एक बहुत अच्छा पोज बना हुआ है और जिसमें हमें ये एनिमेशन अच्छी लग गई जिसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें अब इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। क्लास पोज इसका दिखाता हूँ जो हमारे पास है। अब इसमें भी अगर आप देखें, आर्टिस्ट ने तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ की हैं बाकायदा, लाइक जब ये पंच मारता है तो पंच मारते हुए आपने देखा होगा कि बीच में ये देख रहे हैं आप, बीच में सारी चीज़ें जो खिंच रही हैं जिसकी वजह से इसमें फोर्स फील हो रही है, तो ये आर्टिस्ट ने ड्रॉ की हैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये लास्ट एक आप ये पोज अगर देखें तो ये एक सॉलिड पोज है हर लिहाज से। इनके शेडोज आप देखें जो बन रहे हैं, इनके ऊपर जो लाइटिंग आ रही है, सब चीज़ें बड़ी बेहतरीन तरीके से सब चीज़ें हुई हुई हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये बड़ा अच्छा पोज नज़र आ रहा है। तो ये सॉलिड पोज है हमारा। उम्मीद है चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, और बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।